कुछ थोड़ा सा बेटे के लिए आने लगे। उसने फेंक दिया झंडा, बेटी कर रही है। तो अभी 27 और 28 तारीख को नजफगढ़ स्टेडियम में कुश्ती की चैंपियनशिप चल रही है अंडर 15। तो उसमें अभी हर्षु खत्री हमारे साथ हैं, जिन्होंने 62 किलो वर्ग में पहली पोजीशन हासिल की है। हर्षु से बात करते हैं। हर्षु, कितने साल हो गए अभी करते हुए कुश्ती? 3-4 साल हो गए। 3 या 4? 4। 3.5 ले लें बीच वाला। चलो ठीक है। कैसा लग रहा है जीतने के बाद? अच्छा लग रहा है। मुश्किल था? ठीक था। डर नहीं लगता इसमें जाते हुए? थोड़ा थोड़ा। मतलब थोड़ा थोड़ा लगता है? हाँ, थोड़ा थोड़ा लगता है। डर नहीं, डर नहीं लगता, थोड़ी नर्वस होती हूँ। नर्वस होती हो? तो अभी अभी तो दूसरी वाली नजर जो हारी है वो नर्वस होने वाली होगी अभी, नहीं? हाँ हो सकता है अभी। खैर कोई बात नहीं। मुझे एक बात बताओ कि कई सारी चीज़ें तो ऐसी होती है भाई, लड़की अखाड़े में जाए, मैट पे कुश्ती लड़े, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो घर वालों का दबाव था या अपनी मर्जी से कुश्ती में आए? अपनी मर्जी से। मर्जी से? घर में कोई पहलवान? क्या पापा मम्मी ने। तो घर में कोई पहलवान है? नहीं। कोई नहीं है। इंस्पिरेशन कहाँ से? पापा ही मतलब पहले लेके आते थे यहीं पे, वो कबड्डी से, या सभी फूफा जी भी सब कबड्डी से रिलेटेड है। तो यहीं पे थोड़ी फिजिकल फिटनेस के लिए लेके आते थे। फिर उसके बाद जब ये कंस्ट्रक्शन में था, फिर उसके बाद जब ये बना तो फिर यहाँ आने लगे। ठीक है। तो अभी जो है, अगर और कोई पहलवानी करना चाहता छोटे बच्चे या खास करके लड़कियां, तो क्या कहना चाहोगी? मतलब कई सारी चीज़ें होती है ना कि भाई लड़कियां क्यों जाएंगी, लड़कियां के लिए और बहुत सारे, बैडमिंटन हो सकता है, कुछ आसान सा गेम हो सकता है, कोई चेस हो सकता है, इंडोर गेम्स हो सकते हैं। तो क्यों लड़कियों को कुश्ती लड़नी चाहिए? दोनों बराबर होते हैं, दोनों किसी में भी कोई फ़र्क नहीं होता। लड़की लड़का सब एक समान है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद।